हिमाचल के प्राइमरी स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा देने के सरकारी दावों की पोल खुल गई है। पूरे प्रदेश भर में 9000 शिक्षक बिना पात्रता के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन्हें ना तो जूनियर बेसिक ट्रेनिंग जेबीटी कर रखी है और ना ही उनके पास पात्रता के लिए कोई जरूरी डिग्री है। विभिन्न श्रेणी के इन शिक्षकों को बाकायदा सरकार ने नियुक्त किया है। शिक्षा का अधिकार की शर्त के चलते जब इनकी नौकरी पर तलवार लटकने की नौबत आई तो उन्होंने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के लिए आवेदन कर दिया। हिमाचल में करीब 10,700 प्राइमरी स्कूल हैं और इनमें 26,000 अध्यापक शिक्षा दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने पहली से पांचवी तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जेबीटी या डीएलएड का कोर्स अनिवार्य कर रखा है, लेकिन करीब 9,000 अध्यापक ऐसे ही हैं जो कि केंद्र सरकार के मापदंडों पर खरे नहीं उतरते, क्योंकि इनके पास ऐसी कोई डिग्री या पात्रता है ही नहीं। ऐसे में अपनी नौकरी को बचाने के लिए इन अध्यापकों ने डीएलएड करने के लिए एनआईयूएस में प्रवेश लिया है। एनआईयूएस क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला के निदेशक संजीव शर्मा ने बताया कि पूरे प्रदेश भर में करीब 9000 अध्यापक हैं जो अपात्र होते हुए भी एलिमेंट्री कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं। उनमें से 8000 अध्यापकों ने डीएलएड के लिए दाखिला ले लिया है। उन्होंने कहा कि अध्यापकों को अपनी योग्यता पूरी करने के लिए 2 साल का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि एनआईओएस से 20 माह में डीएलएड कर सकते हैं। समय अवधि पूरी होने के बाद अपात्र शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। हमारे पूरे देश में जितने भी अप्रशिक्षित अध्यापक थे जो कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एलिमेंट्री क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, उनको समयबद्ध तरीके से 31 मार्च 2019 तक उनको प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रम जो है ये एनआईएस को दिया गया है। और उसमें हमारे हिमाचल प्रदेश में लगभग 9000 के करीब जो टीचर थे वो अप्रशिक्षित थे, तो उसमें से 8000 के करीब लगभग हमारे यहाँ एनरोल हुए हैं। तो उनका ये कार्यक्रम जो है हम ये चला रहे हैं। प्रथम सत्र की जो परीक्षा होगी वो 31 मई, 1 जून और 2 जून को होगी। इसमें 3 कोर्सेज जो हैं वो परीक्षाएं की करवाई जाएंगी। और हमारा ये आगे कार्यक्रम ये चल रहा है कि 31 मार्च 2019 तक इन सभी अध्यापकों को हम प्रशिक्षित कर देंगे। सर, तो उसका मतलब ये हुआ कि आरटीई जो है उसका क्या उल्लंघन हो रहा था? हाँ, आरटीई के नियमों के अंतर्गत जो थे वो अध्यापक जो थे अप्रशिक्षित थे, तो उनको आरटीई के अंतर्गत प्रशिक्षित करने के लिए यह कार्यक्रम जो है ये एनआईएस को दिया गया और उससे हम अध्यापकों को प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो है चला रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।